हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुदेश दादीच और मैं आज आपको अपने इस ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि यदि आपकी रिलायंस जियो की स्पीड नहीं आ रही है तो आप उसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाइए। दोस्तों, याद रहे आपको सेटिंग चेंज करने से पहले आपको नेट ऑफ होना चाहिए और उसके बाद आपको इसे मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको मोर पर क्लिक करना है। मोर पर जाने के बाद आपको मोबाइल नेटवर्क का साइन दिया है, उस पर क्लिक करना है। और मोबाइल नेटवर्क में आपको जियो 4G पर आपकी डाटा रोमिंग ऑन होनी चाहिए और प्रीपेड नेटवर्क में LTE ही सेलेक्ट होना चाहिए। और एक्सेस पॉइंट नेम में आपको जियो नेट का साइन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। दोस्तों, आपको किसी भी ऑप्शन में चेंज नहीं करना है। सर्वर में आपको www.google.com टाइप करके रखना है और आपको नीचे जाना है। APN टाइप में आपको डिफ़ॉल्ट टाइप करके रखना है और APN प्रोटोकॉल में IP version 4/IP version 6 रखना है और APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी IP version 4/IP version 6 रखना है और बियरर में आपको LTE सेलेक्ट करके रखना है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले से कर रखा है, इसलिए कर रखा है दोस्तों, यदि मैं आपको पहले स्लो वाली स्पीड दिखाता, फिर आपको चेंज का सेटिंग चेंज करके फिर स्पीड तेज करके बताता तो उसको कन्वर्ट होने में दोस्तों थोड़ा टाइम लगता, तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाती। इसलिए मैं आपकी सहायता के लिए आपको मैंने पहले से ही कन्वर्ट करके दिखाया। दोस्तों, तो अपना नेट ऑफ कीजिए और अपनी स्पीड मीटर से नहीं टेस्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें एक स्पीड बताता है। तो आपको अपनी डाउनलोडिंग की स्पीड विडमेट में या प्ले स्टोर में कहीं पर भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। जैसा ही मैंने अपने यहाँ पर पेंडिंग पड़ा था दोस्तों, तो उसको मैं रिज्यूम करता हूँ। तो दोस्तों, स्पीड आपके सामने आ रही है 1.8 MB, 1.5, कभी 2 MB हो जाती है, जैसा कि देखते हैं। 2 मिनट दोस्तों, देखा आपने, 2 मिनट, 2.9 MB, 3.9 MB, 3.5, जैसे कंटिन्यू डाउनलोडिंग चलेगी तो आपको 3.8, 3.5, 4 MB ऐसे स्पीड मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों, अपन स्पीड मीटर में भी टेस्ट कर लेते हैं कि स्पीड मीटर में कितनी स्पीड दे रहा है। जैसे कि दोस्तों, आपको डाउनलोडिंग की स्पीड बताइए 26.37 MBPS और अपनी रियल स्पीड आ रही थी वहाँ पर 4 MB, 3 MB या 2 MB, इसके आसपास चल रही थी दोस्तों, कभी कम कभी ज़्यादा। तो यह फेक स्पीड है, आपको रियल स्पीड आपको अपने विडमेट में या प्ले स्टोर में आपको डाउनलोड चलिए दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में जाकर सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर शेयर करना है कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हम आपके लिए नई नई ट्रिक्स लेके आएंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।